नमस्कार। बंगाल की खाड़ी में उथल पुथल और साथ में चक्रवाती तूफान बनने की संभावनाओं के बीच एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम चर्चा में। मैं शिव कुमार मित्रा, आइए सबसे पहले आपके साथ प्रमुख जानकारी साझा करते हैं। अंडमान सागर के मध्य भागों में कम दबाव का क्षेत्र जो बना हुआ है वो अपने समीपवर्ती जगहों के बीच वो मध्य शोभ मंडल में एक तरह से चक्रवाती परिसंचरण के रूप में फैला हुआ है। अब जो उसकी जो दिशा होगी वो पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर ही आगे बढ़ेगा और 2 दिसंबर और उसके बाद एक डिप्रेशन के रूप में केंद्रित होने की संभावना देखी जा रही है। अगर हम मूलतः या मुख्य रूप से अगर आपको बताएं 3 दिसंबर के आसपास ये और तेज होगा और एक चक्रवाती तूफान का रूप ले लेगा ये उत्तर, और उसके बाद जो इसकी दिशा होगी वो उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ेगा, वो ये और तेज होगा, इसमें तीव्रता आएगी और उत्तर आंध्र प्रदेश के निकट और उड़ीसा के तटों के पास ये 4 दिसंबर 2021 की सुबह तक पहुंचने की संभावना है। अगर हम मध्य भारत की बात करें और अगर हम पूर्व पश्चिमोत्तर राज्य की बात करें, 1 से 2 दिसंबर के दौरान गुजरात, उत्तरी महाराष्ट्र, उत्तर पश्चिम भारत और आसपास मध्य भारत में कुछ हिस्सों में बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। और जो चौथी जो हमारी जानकारी है, एक पश्चिमी विक्षोभ 4 दिसंबर की रात से एक तरह से उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करने जा रहा है। आइए पिछले 24 घंटों के दौरान जो वर्षा दर्ज की गई है हमारे वेधशालाओं में उसकी संख्यात्मक रूप से बताया, जैसा कि हमने पूर्वानुमान किया था, भारी वर्षा दर्ज की गई है आइसोलेटेड प्लेस में, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल, केरला, माहे में। मुख्य रूप से अगर हम बात करें वाईकोम में 7 सेंटीमीटर, केरला के कोट्टायम में भी 7 सेंटीमीटर, और अगर तमिलनाडु पुडुचेरी कराईकाल को अगर हम सम्मिलित करके बात करें तिरुवनमलाई और वंडावासी में 9 सेंटीमीटर दर्ज की गई है। आइए अब संयुक्त परिस्थिति देखते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे अरब सागर में अभी साइक्लोनिक सर्कुलेशन ये बना हुआ, साथ ही साथ इससे जुड़ा हुआ एक ट्रफ भी आपको कच्छ की गुजरात के कच्छ तक फैला हुआ एक ट्रफ का विस्तार आपको देखने को मिल रहा है। अगर हम बंगाल की खाड़ी की बात करें, ये देखिए अंडमान सागर के आसपास इस जगहों पर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जैसा कि हमने बताया उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ेगा, और साथ ही साथ एक पश्चिमी विक्षोभ जो हम बता रहे हैं 4 दिसंबर से ये प्रभावित करेगा उत्तर भारत को, उसकी स्थिति भी आप इनसेट 3D की सैटेलाइट की इमेजरी में देख सकते हैं। हालांकि जैसा कि आप देख सकते हैं उत्तर भारत के मुख्यतः ज्यादातर जो राज्य हैं, अगर हम बात करें राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, ये देख सकते हैं पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल में क्लाउडिंग की स्थिति आज सुबह से बनी हुई है। आइए मौसम की प्रणाली और चेतावनी के बारे में अगर आपसे साझा करें, साइक्लोनिक सर्कुलेशन जैसा कि हमने बताया ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सागर और उसके पास वैसे फैला हुआ है, इससे ट्रफ लाइन जो है वो कच्छ तक जारी, जैसा कि हमने देखा। अब जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसकी हम बात कर रहे थे, अगर हम देखें उसकी जो स्थिति के बारे में, वो 63.0 डिग्री ईस्ट और नॉर्थ में लैटिट्यूड में 15.9 में फैला हुआ है। अब आने वाले समय में अगर आप देखेंगे मुख्य रूप से 1 दिसंबर जो कि आज से बारिश और गरज की स्थिति आपको देखने को मिल सकते हैं, साथ ही साथ भारी से भारी वर्षा भी आपको उन जगहों पर दे सकती है, मुख्य रूप से वो गुजरात रीजन, नॉर्थ मध्य महाराष्ट्र और नॉर्थ कोंकण में 1 दिसंबर को देखने को मिल सकता है। अगर हम वर्षा और बर्फबारी की बात करें उत्तर भारत की, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, उत्तराखंड, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में 1 से 2 दिसंबर के बीच आपको ये घटना वर्षा और बर्फबारी की, हालांकि बर्फबारी की घटना एक तरह से उत्तरी भाग में, खासकर जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख में देखने को मिल सकती है, बाकी जगहों में वर्षा की संभावनाएं बनी हुई है। और अगर हम इसकी अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में 2 तारीख, मध्य महाराष्ट्र, राजस्थान में 1 और 2 दिसंबर को ये स्थिति देखने को मिल सकती है। आइए मैप के जरिए आपको समझाने की कोशिश करें। ये देखिए ये 1 दिसंबर से 2 दिसंबर के बीच अगर हम बात करें, बहुत भारी वर्षा सूरत, तापी, डांग, नवसारी, वलसाड और दमन में देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ अगर हम 2 से 3 के बीच के अगर इस मैप को देखें, मुख्य रूप से अगर इन जगहों की हम बात करें, ये है महीसागर, दाहोद, छोटा उदयपुर और नर्मदा की जगह में, यहाँ पे आपको भारी वर्षा देखने को मिल सकती है 2 से 3 तारीख के बीच। आइए अब बात करें बंगाल की खाड़ी में जो कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ और उसके समीपवर्ती जो जगह है और उसमें जो डिप्रेशन बनने जा रहा है, उसके बाद जैसा कि हमने बताया ये चक्रवाती तूफान का रूप लेने जा रहा है, इसके इन्फ्लुएंस से क्या क्या होने वाले हैं। भारी से भारी वर्षा आपके अंडमान निकोबार में 1 और 2 दिसंबर को देखने को मिल सकता है, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में 3 और 4 दिसंबर को, तटीय उड़ीसा में 3 से 5 दिसंबर 2021 को, गंगीय पश्चिम बंगाल या गैंगेटिक वेस्ट बंगाल में 4 और 5 दिसंबर को। सो अगर हम और इसमें अगर हम इसमें कुछ सम्मिलित करें, अत्यंत भारी वर्षा भी इसमें देखने को मिल सकती है, वो मुख्य रूप से कोस्टल उड़ीसा, एक तरह से तटीय उड़ीसा के भाग और उत्तर
तटीय आंध्र प्रदेश को 4 दिसंबर को मुख्य रूप से देखने को मिल सकती है। मछुआरों को सलाह दी जाएगी कुल जगहों पर न जाए, वो जगह होंगी 1 दिसंबर से 2 दिसंबर के बीच, ये मुख्य रूप से साउथ ईस्ट और ईस्ट सेंट्रल बंगाल की खाड़ी। 2 और 3 दिसंबर को अगर हम बात करें, अगर पश्चिम मध्य और उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी की बात करें, ऑफ नॉर्थ आंध्रा कोस्ट, उड़ीसा कोस्ट, पश्चिम बंगाल कोस्ट में 3 से 5 दिसंबर के बीच मछुआरों को सलाह दी जाएगी इन जगहों पर ना जाए। आइए अब आपको हम उड़ीसा के मैप में, जो GIS के मैप से अगर हम आपको समझाएं, आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल, ये जो पीले रंगों से दिखाया गया, आप देखिए ये जो जगह है, ये जगह मुख्य रूप से अगर हम आपसे आपको बताएं, ये डे 3 की वार्निंग है, ये हो गया 3/12/2021 को, आप देख सकते हैं। हालांकि 4 तारीख को अगर आप देखेंगे, ये देखिए ये मुख्य रूप से जगह है, अगर हम बात करें अत्यंत भारी वर्षा गजपति, गंजाम, पुरी, जगत सिंहपुर, अगर हम बहुत भारी वर्षा की बात करें कोरापुट, रायगढ़, कंधमाल, नयागढ़, खुर्दा, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैप में कटक, केंद्रपाड़ा, और अगर बहुत भारी वर्षा की भी अगर हम बात करें इसमें सम्मिलित करें 4 तारीख को, 4 और 5 के बीच, ये देखिए पुरी, जगत सिंहपुर, ये वाले जगह, कटक, केंद्रपाड़ा, जयपुर, भद्रक, बालासोर और मयूरभंज। तो जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं दिनांक के हिसाब से उस दिन को कहां कहां पे अत्यंत भारी वर्षा और भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। आइए अब हम यह आंध्र प्रदेश के इस मैप में देखें, जैसा कि उत्तरी भाग में अगर हम देखें अत्यंत भारी वर्षा, और अगर हम डे 4 जो 4 दिसंबर 2021 को अगर हम बात करें, श्रीकाकुलम में अत्यंत भारी वर्षा, विजयनगरम, विशाखापट्टनम में अत्यंत भारी वर्षा देखने को मिल सकती है, और भारी वर्षा की बात करें ईस्ट गोदावरी के भाग में भारी वर्षा भी आपको डे 5, तो डे 3, 4, 5 में आप देख सकते हैं, पहले ऑरेंज अलर्ट, 4 तारीख को रेड अलर्ट, और 5 तारीख को भारी वर्षा आपको यहां पे देखने को मिल सकती है। जैसा कि वेदर का पूर्वानुमान, अगर हम चेतावनी और पूर्वानुमान की बात करें 5 दिनों की, मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे मध्य महाराष्ट्र, कोंकण एंड गोवा, और इन जगहों पे ऑरेंज अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट के साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे भारी वर्षा आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि तीव्रता में अगर आप 2 तारीख और 3 तारीख को बात करें, तीव्रता में कुछ कमी आ रही है। अगर हम 3 तारीख की बात करें, 3 तारीख को देखिए आप, 3 तारीख में वर्षा की जो स्थिति बन रही है अंडमान, ये एक तरह से कोस्टल आंध्र प्रदेश में हवाओं की गति भी यहाँ पे बढ़ती हुई दिख रही है, साथ ही साथ यहाँ पे भारी वर्षा कोस्टल आंध्र प्रदेश में देखने को मिल सकती है। उड़ीसा में भी देखिए हवाओं की गति यहाँ काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम 4 तारीख और 5 तारीख की बात करें, ये देखिए उड़ीसा कोस्टल आंध्र प्रदेश में 4 तारीख को भी है कोस्टल आंध्र प्रदेश उड़ीसा, 5 तारीख की अगर हम बात करें, अगर हालांकि आप बात देखें उड़ीसा और गंगी पश्चिम बंगाल में भी आपको ऑरेंज अलर्ट देखने को मिल सकता है। हालांकि उत्तर भारत की अगर हम बात करें, जैसा कि आप देख सकते हैं 2 तारीख तक उत्तर भारत की स्थिति में भी छिटपुट से भारी वर्षा, जैसा कि हमने बताया पश्चिमी विक्षोभ का आगमन हो रहा है। अगर हम बात करें इसके प्रभाव क्या होने वाले और क्या कार्रवाई की जाए, क्या क्या हो सकते हैं, इसके एक्सपेक्टेड क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, तो लोकलाइज फ्लडिंग हो सकती है, मडस्लाइडिंग हो सकती है, खड़ी फसलों को नुकसान हो सकता है, और दृश्यता में कमी आएगी चूंकि भारी वर्षा की इसमें चेतावनी है। तो एक्शंस किए होंगे, इसके सुझाव ये होंगे कि हम जल भरा वाली जगहों पर हम ना जाएं, ट्रैफिक के रूल का पालन करते हुए चलें, साथ ही साथ हम उन जगहों से रहने से बचें जो मरम्मत का काम चल रहा है या टूटे फूटे घर और मकान। हवाओं की गति के लिए बताएंगे हम, ये मछुआरों के लिए विशेष रूप से सलाह देंगे, ये देखिए ये 2 दिसंबर को अगर हम बढ़े महाराष्ट्र कोस्ट, गुजरात कोस्ट, हालांकि 3 तारीख को नहीं, लेकिन आप अंडमान सागर के पास आप देखिए हवाओं की गति बढ़ने जा रही है, देखिए रेड है 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार आपकी ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इस जगह पे पहुँचने को दिख रहा है। तो ये हो गया 4 तारीख और ये 5, 4 से 5 दिसंबर को यहाँ पे, इसलिए मछुआरों को सलाह दी जाएगी इन जगहों पर होना जाए। स्थानीय जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट पे आ सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे लॉग करिए, RSMC की वेबसाइट में साइक्लोन और डिप्रेशन के लिए आप जा सकते हैं, हमारे इस यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करिए। कल एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।